नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड ये आपका न्यू ईयर बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है ये पूरा साल आप लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा एंड जो लोग भी आप लोगों ने कुछ सोचा होगा वो डेफिनेटली पूरा होगा कर अगर आप उस पर एक एक्शन करोगे सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर गाइस सो स्टार्ट करते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं यानी कि मंडे को एंड ये साल का जो हमारा पहला ट्रेड होगा जो हम लेने वाले हैं वो किस तरीके से चलेगा ठीक है सो फ्राइडे को मैं नहीं अपलोड करवाया था बिकॉज आई वॉज बिजी डैट टाइम बट न्यू ईयर का भी टाइम था बट अब हम रेगुलर हैं ठीक है सो बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की सबसे पहला स्टॉक जो आता है विच इज़ फार्मास्यूटिकल जैसे सन फार्मा ठीक है सन फार्मा में हमने देखा है कि बहुत अच्छी अप मूव मिली एंड इट टेक अ रिट्रेसमेंट एंड आफ्टर डेट इट गेव अ पुल बैक उसके बाद एक रिट्रेसमेंट अब वो दोबारा ऊपर जा रहा है सो so, ये अभी हायर हाइज हायर लूज का फॉर्मेशन बना रहा है एंड ये जो ब्लैक लाइन है ये ब्लैक लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी प्रीवियसली भी अगर हम वीकली चार्ट्स पे जाके देखेंगे तो so, इसको ब्रेकआउट दिया गैप अप के साथ नीचे आके ट्रेड करा एग्जैक्ट इसी लाइन पर सपोर्ट लिया एंड इसके बाद दोबारा एक ब्रेकआउट देकर इसी लाइन के ऊपर वीकली क्लोजिंग ठीक है वीकली क्लोजिंग करिए सो यस देर इज अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग इसे 597 के ऊपर बाय कर सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक इज यस सो बीई एल में आप लोगों को एक बार वीकली चार्ट पे ही दिखा देता हूं वीकली चार्ट छोड़िए उसके लिए मैंने बीएल के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा वरना ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी बस एक बात को देखिएगा ये देखिएगा यहाँ पर मल्टीपल ये ब्लैक कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये मल्टीपल रेजिस्टेंस का काम कर रही थी फर्स्ट टाइम इधर सेकंड टाइम इधर थर्ड टाइम इधर एंड प्रीवियसली भी आपको दिख जाएगा अगर मैं वीकली चार्ट्स पे जाऊंगा एंड इसका बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से गिव अप ब्रेक फर्स्ट टाइम इसने रीटेस्ट करा था थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला हाई प्रेशर था एक देखने को मिली एग्जैक्ट उसी लेवल से रिकवर भी करा कर एंड रिकवर करने के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया है सो डेफिनेटली यहां पर एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है राइट नाउ स्टॉक ट्रेड कर रहा है वन पे सो so हम लोग वन के ऊपर एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं बट दो दिन से बहुत अच्छी मूवमेंट दे चुका है हो सकता है कल ये हॉल्ट कर जाए अगर होल्ट करता है तो ट्रेड मत करिएगा या फिर अगर हॉल्ट करते हुए इसी लेवल पे क्लोजिंग देता है तो आप अराउंड 315 के आसपास इसे बाय कर सकते हैं परसों अच्छी मूवमेंट ये दे सकता है ठीक है नेक्स्ट स्टॉक इज एन एम डी सी एन एम डी सी अगर आप देखेंगे ये स्टॉक मैंने पहले भी रिकमेंड करा था। इस, पे था इस लेवल पर रेजिस्टेंस था इस लेवल पर रेजिस्टेंस था इट्स का ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट करा एंड दोबारा ऊपर जा रहा है ये इस लेवल को जब भी ब्रेक करेगा देखिए मैं तभी आप लोगों को ये दो तीन दिन से रिकमेंड कर रहा हूं स्टॉक कि अगर ये ब्रेकआउट दे और हम लोग अपॉर्चुनिटी ना मिस कर जाए सो so, ये जैसी इस लेवल का ब्रेकआउट देगा जो कि 117.30 पे है जैसे वन सेवनटीन पॉइंट थ्री जीरो को ये ब्रेक करेगा एक रुपए ऊपर जाके यहां पर एक अच्छी बाइंग आ सकती है जो कि मैं वन ट्वेंटी थ्री वन ट्वेंटी टू तक भी लेकर जा सकती है सो so, इस पर्टिकुलर स्टॉक को जरूर वॉच करेगा ये डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स दे सकता है नेक्स्ट स्टॉक इज ल्यूपिन ल्यूपिन बाय करने की आप लोगों को सलाह दी जाएगी आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का एंड यहां पर आपको मैं दिखाता हूं फर्स्ट टाइम जब इसने ब्रेक करा था इस लेवल को यहीं पर इसने सपोर्ट लिया था जब ये सपोर्ट ब्रेक करा ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस थर्ड टाइम रेजिस्टेंस एंड इवेंचुअली इसने आज रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है सो येस देर इज अन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंडलाइन भी एक्जैक्ट इसी लेवल से ब्रेक आउट दिया है so यहां पर हम लोग एक बाई इनिशियट कर सकते हैं थाउजेंड रुपीज का साइकोलॉजिकल लेवल है अगर थाउजेंड रुपीज के ऊपर ट्रेड करता है हम लोग बाई इनिशिएट कर सकते हैं ऑलमोस्ट थर्टी टू फिफ्टी पॉइंट तक की एक रैली ये दे सकता है सो so जनवरी के लिए भी एक अच्छा स्टॉक हमारे लिए बन सकता है और लास्ट स्टॉक इज फेडरल बैंक फेडरल बैंक पे बाय करने की ही सलाह दी जाएगी आप लोगों को देख सकते हैं कि इस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है एंड हायर लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है सो so यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट और आ सकती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न लोगों को अर्ली चार्ट दिख जाएगा देखिएगा यहाँ आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर का आपको पैटर्न दिख रहा है ठीक है दिस इज आर लेफ्ट शोल्डर दिस इज आर हेड एंड दिस इज आर राइट शोल्डर इट ऑलरेडी गेव अ ब्रेकआउट फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दी सेकेंड कैंडल ने सस्टेन करा अब थर्ड कैंडल उसी लेवल के आसपास है बट देखिये ब्रेकआउट देने के बाद आई एव ऑलवेज टोल्ड यू की ब्रेकआउट दे बी दे हमें वेट करना है उसके सबसे पास वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्लोज करना चाहिए सो so इसके पास वाला रेजिस्टेंस है एग्जैक्ट इसी लेवल पे ये देख रहे यही इसका रेजिस्टेंस है ये जैसे इसको ब्रेक करेगा हम लोगों को अच्छी बाइंग आ सकती है यानी कि राइट नाउ स्टॉक ट्रेड कर रहा है एट्टी सिक्स रुपीज पे सो एटी सिक्स पॉइंट टू जीरो के ऊपर हम लोग एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं और ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है सो so, स्टॉक को भी वॉच करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो गाइस देखिएगा एग्जैक्ट अपने उसी लेवल्स पे है यहां पर भी मैं ना बाइंग करने की सलाह दूंगा ना यहां पर मैं सेल करने की सलाह दूंगा अगर एक अच्छी मूवमेंट आती है अपसाइड में

एक लास्ट बात और कल गाइस हमारी लास्ट डेट है फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर थ्री मंथ्स मेंटोरशिप प्रोग्राम जो हम लोग जनवरी से मार्च तक ले लेकर आए हैं एंड ऑलरेडी थोड़े बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन फिल करी थी हमारा गूगल फॉर्म फिल करा था एंड वो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी पी नहीं करा वो हमें कांटेक्ट कर सकती है नीचे डिस्क्रिप्शन पे फोन नंबर है उसके थ्रू व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज टुमारो इज द लास्ट डेट एंड हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो फिफ्थ ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रही है ओके गाइस सो विल मीट देयर एज वेल एंड यहां पर हमारे सेशंस कंटिन्यू रहेंगे मैं कल एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ बी ई एल या फिर ल्यूपेन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जहां पर आप लोगों को एक स्टॉक और रिकमेंड करा जाएगा सो so, हमारे चैनल के साथ जुड़ रहेगा में हम मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो पर मैचान बसीन साइनिंग ऑफ